क्या फना हो जाएगी अक्षरा, क्या नैतिक से जुदा हो जाएगी अक्षरा, क्या हम सबको छोड़कर चली जाएगी अक्षरा। आज अक्षरा एक एक सांस को मोहताज है और सभी घर वाले अक्षरा को लेकर परेशान हैं। जहरीले पानी में गिरने के बाद अक्षरा को बचा तो लिया गया, मगर आज अक्षरा अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ रही है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम से अक्षरा को एक एक सांस मिल रही है। यहाँ बहुत टेंशन का माहौल चल रहा है अभी, बिकॉज अक्षरा को अक्षरा मिसिंग हो गई थी पहले, और फिर उसके बाद हमें बहुत मुश्किलों से मिली वो। पुलिस भी हमारे साथ ढूंढती रही उन्हें, पूरी रात हमने ढूंढा एंड फाइनली हमें अक्षरा मिल जाती हैं, और तब जाके शायद हमारी जान में जान आई एंड हम उन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर आए हैं। अक्षरा के बच्चे नक्श और नायरा हो या फिर उसके सभी घर वाले, चाहे अक्षरा की माँ हो या हो अक्षरा के जीवन साथी नैतिक, सबकी सांस हलक में अटकी है कि अगर कहीं अक्षरा को कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे, कैसे चलेगी अक्षरा के परिवार की गाड़ी, क्योंकि इस गाड़ी का हर पहिया खुद अक्षरा ही तो है। ऑफ कोर्स अक्षरा को कुछ अगर हो गया तो आई डोंट नो नैतिक क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, बिकॉज ना तो वो उस बारे में सोचना चाहता है, बिकॉज ही बिलीव्स दैट अक्षरा ठीक हो जाएंगे, उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। वो बहुत उदास थे, और जैसे कि हम में से कोई भी उनकी मम्मा के बिना नहीं रह सकता, लेकिन पापा तो कुछ ज्यादा ही अटैच्ड है। अक्षरा आप घबराइए मत, क्योंकि आपका पूरा परिवार आपके साथ है, सबकी दुआएं आपके साथ हैं, और जिसके साथ इतने लोगों की दुआएं और प्यार हो उसे खुद ऊपर वाला भी अपने पास नहीं बुला सकता। आप लौट कर हमारे पास ही आएंगी, अपने नैतिक का साथ जिंदगी भर निभाएंगी, क्योंकि ये रिश्ता कुछ सालों का नहीं बल्कि जन्म जन्म का है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।